तो आपको क्वेश्चन पेपर में क्या इस तरह का एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा जिसका आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनानी है, चाहे वो फर्स्ट एंगल में हो या थर्ड एंगल में। आज यहाँ हम आपको फर्स्ट एंगल में किस तरह बनाएंगे इसकी ऑर्थोग्राफिक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, वो आपको यहाँ पर बता के बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे भी क्वेश्चन पेपर आप मेन क्वेश्चन आता है इस तरह का, कोई आपको एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक दिया होगा जिसकी आपने ये फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर इस तरह से तीन पैरेलल लाइंस लगानी है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इस तरह से आपने तीन लाइंस पैरेलल लगानी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन था इसकी आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाली है। तो लंबाई आपकी कहाँ से होगी पता चलेगा, जो हमारा ये फ्रंट व्यू लिखा हुआ है वो आपकी क्या होगी लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी जाएगी 30 प्लस 60 तो आपकी 90 हो जाएगी लंबाई। गुना में चौड़ाई आपकी जहाँ साइड लिखा हुआ है हो तो यहाँ 30 प्लस 20 यह है 60। और ऊंचाई पूरे ब्लॉक की है, यहाँ पर ये दिखा रखी है पूरी 60 है। तो इस तरह से आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी निकालनी है। उसके बाद आपने एक टेबल और तैयार करनी है, जो फ्रंट व्यू बनेगा उसका साइज क्या होगा आपका लंबाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ हमारी है लंबाई 90, ऊंचाई आपकी है 60, साइड में क्या होगा चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चौड़ाई आपकी 50 है गुना 60 ऊंचाई, और टॉप व्यू में क्या होगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये आपका हो जाएगा 90 गुना 50 एम। तो ये आपने टेबल 10 निकाल लिए अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। उसके बाद आपको पता होगा कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है फ्रंट ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है, एफ और डी, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा टॉप नीचे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना आपने ये ध्यान रखना है एफ और डी। उसके बाद जो ये आपके चार बॉक्स हैं यहाँ आपने ध्यान रखना है चारों में कौन सा घाव बनेगा, तो उसको बिल्कुल आसान तरीका है, जैसे कि आपने दोनों में एफ और डी दिया फ्रंट ऊपर और टॉप नीचे बनेगा, या तो यहाँ बनेंगे या यहाँ बनेंगे। अब बचता क्या आपका साइड व्यू, तो आपने यहाँ आइसोमेट्रिक में देखना है कि साइड व्यू आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे या राइट। जैसे ये डायग्राम है आइसोमेट्रिक का, इसमें लेफ्ट साइड आपको दिखाई दी है, तो फर्स्ट एंगल में लेफ्ट साइड का व्यू कहाँ बनेगा फ्रंट व्यू के राइट साइड की तरफ राइट में। तो राइट में हमारे आपके ये दो बॉक्स है, जो फ्रंट व्यू का साइज क्या था 90x7 है, तो आपने तो नीचे
जैसे पहले ये एल पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये दिखेगा, इसी के पीछे ये आपका ये एक और दीवार है और एक ये आपका पीछे वाला पोर्शन है जो बिहाइंड है, सामने से दिखाई नहीं दे रहा। तो यही पोर्शन अब हमने यहाँ इसमें ड्रा करना है। तो पहले जो एल वाला पोर्शन था ये यहाँ से आपका 30 है और यहाँ से 90 और ये 20 और ये आपने पूरा नीचे आना है और ये एल आपने पूरी करनी है। ये जो एल वाला पोर्शन था ये आपके यहाँ बन गया है। इसके साथ ही ये एक जो है पीछे वाला बिहाइंड जो आपकी दीवार थी वो बन गई है। एल तो आपकी ये वाली होगी और जो छोटा पोर्शन है वो ये है। उसके बाद एक ऊपर जो ये वाला पोर्शन था जो ये कटा हुआ है, लेकिन सामने से तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको दिखाने के लिए एक डॉटेड लाइन वीडियो लाइन का प्रयोग करेंगे। तो ये ऊपर से 10 मिलीमीटर की गहराई पर ये डॉटेड लाइन आपने ऐसे दिखानी है। तो ये आपका फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे साइड व्यू की। आप साइड व्यू को इस साइड से देखना है तो जब नीचे से शुरू करेंगे तो आपको ये दीवार दिखेगी और इसी के बैक साइड में एक ये दीवार है, दो होगी ये और इसी के ऊपर ये यू शेप में जो ये सारा बना हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पहले बिल्कुल इसकी सीट में ऐसे इसकी और इसकी हाइट बराबर है, इसलिए सीधी लाइन में इसके ये बॉक्स बनाएंगे। तो इसके दो पोर्शन है 30 और 20 का, तो ये बीच में हम यहाँ ये लाइन बढ़ा कर देंगे और ऊपर जो यू कट है यहाँ से आपने 20 जाना है 10 मिलीमीटर नीचे और 10 ही ऐसे 10 ऊपर जाके लिए ऐसे आपने ये कंप्लीट कर दिया, ये लाइन हटा देना है तो ये आपका साइड व्यू तैयार हो जाएगा। अब बचा है आपका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस लाइन से बिल्कुल आपने छोटा स्केल सीधा रखना है और यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। सेम फिर इस लाइन की सीध में आकर यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा करनी है एल्बम में और इसको फिर ऐसे प्रोजेक्ट करना है इस साइड बिल्कुल। अब टॉप व्यू में बात करेंगे तो जो ये हिस्सा बच गया है ऊपर वाला, ये एल शेप देखिए पूरी इतना और आपका ये पोर्शन है, एक ये है और एक ये है पोर्शन, ये तीन पोर्शन। तो ये एक सीध में हो गए आपके और एक है ये बनेगा। तो जब ये बनाएंगे तो इसकी सीध में आपने यहाँ से एक सीध लाइन ड्रा करनी है। तो ये आपके जो इतना हिस्सा बच गया इसके अंदर जो सेकंड पोर्शन बनेगा, तो यहाँ से आपने पूरा जाना है 60, नीचे 30 आना है और यहाँ पर भी 30 जाकर ये सीधा मिला देंगे तो ये आगे वाला पोर्शन आ जाएगा। पीछे जो 30 लाइन बताए थे आपको ऊपर से, तो जो यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट की थी इसकी सीट में रखकर ऐसे आपने यहाँ लाइन मारनी है और इधर से भी ये आपके तीन पार्टीशन हो जाएंगे जो ऊपर से आपको दिखाई दे रहे थे। तो ये आपका टोटल तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपने राइट शीट के ऊपर पोस्टिंग टेबल में जब आए तो इस तरह से प्रोजेक्ट करके आपने वहाँ प्रॉपर तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने जो इसकी एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आपने सारा साफ कर देना है। जैसे यहाँ मैं करते करूँ सिर्फ आपके जो ये व्यू रहेंगे सिर्फ वही रहेंगे, इसका बाकी सब कुछ आपने इरेज कर देना है। आप कैसे चार व्यू रह जाएंगे कि एक्स्ट्रा लाइंस आपको डायमेंशनिंग करनी है। तो बराबर 5 मिलीमीटर की दूरी देकर ये आपने यहाँ पर इसकी डायमेंशनिंग करनी है प्रॉपर बराबर एक्यूरेट तीर लगा के।
बिल्कुल, तो फाइव से करना है तो बिल्कुल ए नंबर मिलेंगे, एक नंबर छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसका खास ध्यान रखना आपने। और इसी के नीचे फिर इनका नाम लिखना है, ये आपका प्लान हो गया या कॉपी बोलते हैं जिसको, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका है साइड व्यू। और ऊपर आपने बनाने के बाद ये लोकेशन भी देना है कि ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, ये जो सारे साइड आपने लिए हैं 20 30 50 सारा मिलीमीटर के अंदर है, और स्केल जो यूज किया है 1:1 फुल स्केल दिया, जो साइड राइट शिफ्ट था वही हमने लिया है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर ढंग से इसको आपने वहाँ करके दिखाना है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और सफाई का खास कर विशेष ध्यान रखना है, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे देंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी आपकी फर्स्ट जो आप एग्जाम होने वाले हैं आपके जून 2019 के अंदर, तो ये 20 से लेकर 30 मिनट तक आपका